हाँ देखिए, एक कक्षा 12 गणित के प्रश्नावली 2C का सवाल आपको मिलेगा। इससे पहले आपको बता दें कि ये डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव मेरे चैनल का नाम है और इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रश्नावली 2C का 6वां सवाल है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आपको कुछ पूछना हो तो इस मोबाइल नंबर से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप प्रश्न नंबर 6 लिखें, टैन इनवर्स एक्स अपान वाई माइनस टैन इनवर्स एक्स कोष्टक में एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई का मान है। टैन इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस टैन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, इसी का मान आपको बताना है। इसके लिए एक सूत्र होता है, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स बड़े कोष्टक में एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। टैन इनवर्स ध्यान दें, एक्स के स्थान पर एक्स बटा वाई है तो सूत्र में एक्स के स्थान पर एक्स बटा वाई लिख देंगे, माइनस वाई के स्थान पर एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई है। इस वाई का स्थान पर हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, छोटे कोष्टक में रहेगा। पूरे का बटा वन प्लस इसका और इसका गुणनफल लिख देंगे, एक्स बटा वाई गुणे एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। अब इसी को हल कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा। टैन इनवर्स यहां एलसीएम ले लेंगे, वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इससे इसमें भाग देंगे आपका एक्स प्लस वाई बचेगा, एक्स प्लस वाई का एक्स में गुणा कर देंगे अर्थात एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस छोटे कोष्टक में इससे इसमें भाग देंगे कट जाएगा वाई बचेगा, वाई का ऊपर गुणा कर देंगे, वाई छोटे कोष्टक में एक्स माइनस वाई छोटा कोष्टक बन बड़ा कोष्टक बन बराबर टैन इनवर्स। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस इसका भी इसमें गुणा कर दें। किसी भी कोष्टक से पहले ऋण चिन्ह हो तो कोष्टक हटाते समय कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, वाई स्क्वायर हो जाएगा बटा उसी तरह से वाई का इसमें गुणा कर देंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका इसमें गुणा हुआ है पूरे का बटा इसका ये छूट गया है, गौर करेंगे सारी। पूरे का बटा वन प्लस और इसका इसमें गुणा कर देंगे एक्स एक्स माइनस छोटे कोष्टक एक्स माइनस वाई अपान इसका इसमें गुणा कर देंगे वाई छोटे कोष्टक में एक्स प्लस वाई। बराबर टैन इनवर्स बड़े कोष्टक में अब इसका इसमें गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का पूरे का बटा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे
अर्थात वाई छोटे कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस, छोटा कोष्टक बंद करने के बाद प्लस लिखेंगे, एक्स छोटे कोष्टक में एक्स माइनस वाई छोटा कोष्टक बंद पूरे का बटा वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब ध्यान देंगे माइनस एक्स वाई और एक प्लस एक्स वाई ये तो कट जाएगा, इसका हर है वाई छोटे कोष्टक में एक्स प्लस वाई छोटा कोष्टक बंद, और इसका भी हर है वाई एक्स छोटे कोष्टक में एक्स प्लस वाई छोटा कोष्टक बंद, इसलिए इससे ये कट जाएगा, आपका बच जाएगा टैन इनवर्स बड़े कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ये, इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ध्यान देंगे एक्स वाई से पहले माइनस एक्स वाई से पहले प्लस है, आपका कट जाएगा, बड़े कोष्टक में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर tan इनवर्स, इसे इसमें भाग देंगे भाग ये को भर जाएगी tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं इनटू tan पाई बाई फोर, पाई बाई फोर पाई का मान 180 अंश होता है, चार से भाग दे देंगे 45 अंश हो जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 होता है, अर्थात इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, अब tan नीचे आएगा अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इंटू tan यानी 1 अपॉन tan इंटू tan पाई बाई फोर, tan से tan कट जाएगा पाई बाई फोर। हाँ ये ध्यान दें, यदि वीडियो आपको ये पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। सभी कक्षाएं अर्थात कक्षा 9 10 11 12 के लिए गणित विज्ञान अंग्रेजी की यहाँ कक्षाएं चलाई जाती हैं, आप हमारे कांटेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और ये कोचिंग माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से प्रचलित है, और दुल्लापुर से 1 किलोमीटर पूर्व खुटहा गांव के पास गाजीपुर यूपी में संचालित है, और कांटेक्ट नंबर से आप शेष जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस कोचिंग में रेलवे बैंक एसएससी यूपीएसआई रेल एयरफोर्स नेवी टेट सी टेट की भी कक्षाएं चलती हैं, यदि आपकी आवश्यकता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब इसी प्रश्नावली 2C का 11वां सवाल है, यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू तो सिद्ध कीजिए क
कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। अब इस प्रश्न को हल करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। इसे समीकरण एक बना लेंगे। मान लिया कॉस इनवर्स वाई बराबर ए, इसको नीचे अर्थात नीचे ले आएंगे तो इसको हम लिख सकते हो वन अपान कॉस। अब ऐसे डिग्री पूरा कर लेंगे तो कॉस ए बराबर वाई हो जाएगा या वाई बराबर कॉस ए, वाई बराबर कॉस ए, वाई बराबर और कीजिएगा। इसे हम साइन में जब चिन्ह करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ए। एक सूत्र होता है, इसी सूत्र के आधार पर ये चिन्ह हुआ है। अब देख लें साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। 90 अंश के स्थान पर पाई बाई टू है अर्थात पाई का मान 180 अंश होता है। 180 अंश में दो से भाग जाए हो जाएगा और ए के स्थान पर थीटा है, इसलिए इस ए के स्थान पर थीटा लिखा जाए और कॉस अर्थात कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अर्थात कॉस ए को हम साइन पाई बाई टू माइनस ए लिख सकते हैं। अब ध्यान दें यहाँ साइन को नीचे लाएंगे तो इनवर्स साइन इनवर्स हो जाएगा और डिग्री गुणा कर देंगे। साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस ए। अब यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ए को इधर ले आएंगे अर्थात बाएं साइड बराबर से चिन्ह बदल जाएगा, ए बराबर इसको उधर भेज देंगे अर्थात पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। इसलिए हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स। समीकरण एक में कॉस इनवर्स वाई का मान रखने पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। पाई बाई टू से ये पाई बाई टू कर देगा क्योंकि बीच में बराबर है, इधर आपका जीरो बन जाएगा अर्थात कॉस इनवर्स एक्स बराबर और इसका पक्षांतर उधर करते हैं साइन इनवर्स वाई।